नाम क्या है आपको? निहाल सिंह। कहाँ से हो? सेवनी। तो आप जो डाक बोली पे माल बेचो आपने, धान यहाँ के डायरेक्ट में बेचो? डाक बोली पे। डाक बोली तो जो पर्ची आपको कच्ची का मिली, पक्की नहीं दी इन्हें? पक्की नहीं गई, उनने रसीद कट्टा हाथों है ना। हाँ तो पक्की का नहीं दी आपने? वहाँ जो घरे साहब होंगे मंडी इंस्पेक्टर उनसे नहीं बोली? नहीं नहीं, वो तो इनने भाई साहब ने दे दी सब, ये लेके सबके लाने ऐसी कच्ची मिल रही जी देखी? हमें पता नहीं है। आपको कच्ची मिली? तो कब वहाँ लगी आपकी? जो इनने लगी हमारी 3605। और पजामा 2% आड़त? 2% आड़त काटेंगे तब नगद पैसे देंगे। अच्छा नगद देंगे 2% कटेगा? उधारी पे डाल दो तो 2% नहीं कटेगी? नहीं उधारी पे डाल दो फिर काय कटेगी? फिर तो उधारी 15 दिन बाद मिलेगा पैसा। अच्छा तुलाई अलग कटेगी और आप? तुलाई जी धर्म काटे की कटेगी कि देख 40 रुपया लेते हैं तुलाई के। 25 रुपया रेट है बाकी ट्रॉली की, 40 ले रहे हैं भाई, 25 रेट है। प्लस जी इनके कितने जीव के देख मारे कटाई के देख कर रहे हैं जी? 2% बो गाओ, 2% बो। और फिर जी वजन के देख, वजन जी 1 किलो क्विंटल काटेंगे, 1 क्विंटल भी 1 किलो वो काटेंगे, 1 किलो काटेंगे। ठीक है। वैसे आपको पक्की पर्ची लेने थी ना? नहीं तो उन्होंने जी दे पक्की पर्ची लेना थी आप यार, डाक बोली फिर कच्ची पर्ची दे दी सबको, एक अच्छी दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ के हो आप? सेवनी। इंद्रगढ़ कृषि उपज मंडी में किसानन से लूट लगातार जारी। खबर दतिया जिला के इंद्रगढ़ कृषि उपज मंडी से आ रही है, जहां किसान व्यापारियों की मनमानी को शिकार हो रहे हैं। कल गुस्साए किसानन ने मंडी परिषद के बाहर चक्कर जाम कर दिया। कल जाम के दौरान मंडी सचिव अनिल शर्मा ने तहसीलदार इंद्रगढ़ वीर सिंह आवासीय एवं थाना प्रभारी धीरेन्द्र मिश्रा के समक्ष किसानन का आश्वासन दो तो कि व्यापारियों द्वारा किसानों के संगे करोड़ नाइंसाफी न करी जाए। डाक बोली पे ही माल को क्रय करो जाए और किसान का पक्की रसीद दे जाए एवं कोनो प्रकार को कोनो 2% पट्टा ना काटो जाए, किसानन का तुरंत भुगतान करो जाए। मगर आज फिर वही स्थिति मंडी में बनी भई है, किसानन से कच्ची रसीद पे माल क्रय करो जा रहा है और भुगतान पे 2% बट्टा भी काटो जा रहा है। एको सीधो सो मतलब निकल के सामने आ रहा हूं कि व्यापारी मंडी सचिव के संगे सांठगांठ करके किसानन की जीवन पे डाका डाल रहे हैं, मगर गरीब मजदूर बेबस किसान की सुनने वालों को नहीं है। सवाल जो खड़े होते कि आखिर कब तक गरीब किसान इन व्यापारियों को शिकार बनत रहे, कब हुई है व्यापारी और मंडी सचिव पे कार्रवाई, पूछा था इंद्रगढ़ क्षेत्र के बेबस किसान। फिलहाल की खबर में तो इतना ही, आगे खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड 24/7 के संवाददाता आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 की शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।